हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुंच चुके हैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। यहां से हमारी ट्रेन है अभी 11:40 की, जो हमें लेके जाएगी देहरादून तक, और देहरादून से फिर सुबह हम 6 बजे निकलेंगे सांकरी गांव के लिए, जहां से हमारा केदारकंठा का ट्रैक शुरू होगा। मेरे साथ मेरा दोस्त है व्याख्यारो अचल, हम दोनों जा रहे हैं एक ग्रुप के साथ, सो विल कीप यू पोस्टेड। सुबह के बज रहे हैं 6 और हम पहुंच चुके हैं देहरादून रेलवे स्टेशन पर। अब यहां से हम जाएंगे बाय टैक्सी और बाय बस टू सांकरी। हम पहुंच चुके हैं देहरादून रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, या तो हम यहाँ से जो सरकारी बस है वो ले सकते हैं, वो करीब हमें चार्ज करेगी 375 रुपये, जो हमें यहाँ से ले जाएगी। 8 बजे चलती है वो, सांकरी विलेज छोड़ेगी शाम तक करीब 10 घंटे में। और दूसरा ऑप्शन है कि हम यहाँ से टैक्सी या टेम्पो ट्रैवलर ले सकते हैं। टैक्सी कॉस्ट करती है अराउंड 5,000 to 6,000 और टेम्पो ट्रैवलर अराउंड 9,000। सूरज की आखिरी किरण के साथ हम पहुंच चुके हैं सांकरी में, और अब हमें अपने होम स्टे पर जाना है, जो यहां से करीब 500 मीटर दूर है। 500 मीटर एक अच्छा सा वॉक है और सनसेट हो रहा है। यहां से कल सुबह हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। हम आए थे बस से, और बस की टिकट थी करीब 375 रुपये एक बंदे की, और अभी हम अपने होम स्टे में जा रहे हैं। यहाँ पे हम रात में स्टे करेंगे, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग के लिए अपना डे 1 का ट्रैक शुरू करेंगे, जो जाएगा जुदा का तालाब तक, जो हमारा पहला कैंप साइट होगा। तो मिलते हैं कल सुबह, गुड नाइट, सी यू। और तेजेंद्र, 2-3 हमारे कुक स्टाफ, ठीक है, क्योंकि जितने हम साथ में रहेंगे, जितने लोग हैं, उतने ही मिलेंगे और कोई नहीं। हमारा उठना बैठना रहना सहना साथ में रहेगा। जितना हम लोग आपस में अच्छे रहेंगे ना सारे मिलके, उतना मजा ट्रैक करने में आएगा। ध्यान रखना एनवायरनमेंट का, कचरा वचरा नहीं करना है, ठीक है। बाकी एक बात और, बॉन फायर अलाउड नहीं होती, यहाँ से नहीं, यहाँ से बहुत पीछे से अगर आग जलाते हैं तो वहाँ पे जंगल भी जल सकता है। राइट, कुछ पूछना है? ओके, करें स्टार्ट। यस, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ट्रैक के लिए निकल चुके हैं, डे 1 है आज हमारा। हम जाएंगे जुदा का तालाब,
हाँ चलो मैं और बाकी हम टोटल 15 लोग हैं एक ग्रुप के साथ। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं टिश्यू पेपर लेने पे, क्योंकि ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, बर्फ ही बर्फ है, तो पूरा ड्राई ड्राई रहेगा सब कुछ। गाइस अभी हम हैं संकरी बेस कैंप पे, यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है। हम 15 लोग हैं, ये हमारा संकरी का बेस कैंप का बोर्ड। चल कैसा लग रहा है? सुपर कूल फीलिंग। और सौरभ हाउ यू फीलिंग? तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि जो जुदा के ताल तक जो रास्ता है वो काफ़ी मडी है, स्लिपरी है, तो और पाइन फॉरेस्ट है, बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, थक गए हैं सब। तो देखते हैं शाम तक पहुंच पाएंगे हम, 3-4 घंटे और, अभी बज रहे हैं 12, तो शायद 4 घंटे का ट्रैक और है। हाय फ्रेंड्स, तो हम पहुंच चुके हैं अपनी पहली कैंप साइट पे। ये आप जैसे आप देख सकते हैं हमारे टेंट हैं इधर लगे हुए हैं, और इधर पूरा बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ है। ये इसने मेरे दोस्त ने पहली बार बर्फ़ देखी है, तो काफ़ी एक्साइटेड है इसको। इसने मेरे दो बर्फ़ के गोले खाए अपने मुंह पे। गुड मॉर्निंग अच्छा। गुड मॉर्निंग, कैसे रही आपकी नींद? बाहर का नज़ारा देखते हैं। मॉर्निंग गाइस, तो ऐसी होती है सुबह हमारे पहले कैंप साइट पे। आज का ट्रैक पूरा स्नोई पाथ होने वाला है, तो हम ये पहनेंगे आज माइक्रो स्पाइक्स। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज हमारा डे 2 है। आज हम ट्रैक करने वाले हैं केदार घंटा बेस कैंप तक, और ये जो आज का जो ट्रैक होने वाला है पूरा स्नोई ट्रैक है, जमी हुई बर्फ स्नो। तो हमने अपने शूज़ पर माइक्रो स्पाइक्स पहने, जो हमें एक्स्ट्रा ग्रिप प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग द ट्रैक। तो गाइस हमारा पहला चेक पॉइंट आ गया है, जूदा का तालाब। वो लास्ट कॉर्नर हमारा है, जाओ उधर। पहुंच गए जूदा का तालाब।
जैसे कि आप देख रहे हो पूरा लेक फ्रोजन है, जम रखा है पूरा बर्फ से। अभी हम जाएंगे इसके ऊपर, ट्राई करेंगे चलने का, स्की करने का, गिरने का, देखते हैं। चलो फ्रोजन लेक। हे अकबर, हाउ आर यू मैन? गाइज, पहले बेस कैंप से हमें दिख रही है अपनी केदारगंडा पीक समिट। वो जो पीक है, कल सुबह हम वहाँ होंगे अर्ली मॉर्निंग, रात को हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे 3 बजे और सुबह सनराइज तक हम वहाँ पे होंगे, वो उस पॉइंट पे। गाइज, हम पहुंच गए अपने सेकंड बेस कैंप पे, ये केदारकंठा बेस कैंप, और यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो केदारकंठा पीक। यहाँ हम कल सुबह ट्रैक करेंगे अर्ली मॉर्निंग और सनराइज तक हम वहाँ पे होंगे। अभी जो एल्टीट्यूड है वो है करीब 8,000 फीट और जो पीक का एल्टीट्यूड है वो है 12,500 फीट। यहाँ पे हम कल सुबह जाएंगे। ये है हमारा आज का स्टे। Yeah, you seem to be okay. Your sweet taste in my mouth stays. So I'll be waiting in the corner for you. I'm mindless, I'm just spineless. Put cellophane on my mouth and kiss. My love is lying in the corner for you, you. It's true, true. For you, you. It's true. गाइज, रात के बज रहे हैं 2 और अब हम
रेडी होने वाले हैं केदार घंटा पीक पे जाने के लिए। बात बहुत ठंड है हमारे, एक्चुअली हमारे टेंट के अंदर भी ये ना यहाँ पे ऐसे स्नो जम गई है ये, तो काफ़ी माइनस में टेम्परेचर रहा है रात भर। मुझे तो मेरी तो नाक जाम होगी। तो ठीक है, दिखाते हैं आपको पीक के व्यूज़ ऊपर जाके। चल रेडी? आई एम रेडी, ऑलवेज रेडी। ओके लेट्स डू इट गाइस। तो गाइस हम पहन रहे हैं अपने माइक्रो स्पाइक्स एंड गेटर्स। वेदर बहुत ही विंडी है और अभी बज रहे हैं 2:30 AM और कुछ नहीं दिख रहा। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और सब लोग जा चुके हैं रेडी। हमने अपने माइक्रो स्पाइक्स और गेटर्स पहने हैं और काफी सारे लोग अभी लगा रहे हैं। गरम गरम बोनवीटा के साथ ट्रैक स्टार्ट करेंगे अपना केदार घंटा पीक के लिए। तो गाइस समिट पर जाने से पहले हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। अगर ये ब्लो 80 आता है तो ये लोग अलाउड नहीं करेंगे किसी को जाने के लिए। 85, 86 बजा बचा तो 87 हम जाएंगे। गाइस आधा रास्ता हमने कवर कर लिया है केदार घंटा समिट का। यहाँ पे भी हमारा 15 मिनट्स का हॉल्ट है। लोग चाय पी रहे हैं, चाय इतनी अच्छी नहीं है और एंजॉय कर रहे हैं। पूरा बर्फ़ से जमा हुआ पहाड़ है। तो पीक अभी बस आधा रास्ता रह गया है, आधा हमने कवर कर लिया है। और रास्ते में ना बहुत सारे लोग हैं, मतलब तुम अकेले नहीं हो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल ट्रैकिंग अलोंग विद यू। फ्रंट स्पाइक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये जो फ्रंट वाला यूज़ कर रहे हैं थोड़ा, जहाँ आपको स्लिपली लगे वहाँ। तो गाइस हमने आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर लिया है। टेम्परेचर अभी होगा करीब -4-5 और प्रो टिप ये है कि यू हैव टू कीप मूविंग। अगर आप 5 मिनट का भी रेस्ट करते हैं तो आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी और आपके हाथ पैर बहुत ठंडे हो जाएंगे। गाइस जैसे आप ऊपर क्लाइम करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, लेकिन जो ऊपर व्यू है ना स्टार्ट। So guys, this is the highest climb, the most difficult climb of the trek. बस अभी बस 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं। सनराइज ऑलरेडी होने वाला है। ओके गाइस जो लास्ट जो ट्रैक था केदारकंठ पीक का बहुत डिफिकल्ट था सच में गाइस, बहुत लग गई। मैंने बहुत ट्रैकिंग किया है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, बट फाइनली वी हैव रीच्ड द पीक, द टॉप ऑफ द माउंटेन। दिस इज केदारकंठ पीक। क्या बताऊँ कितना अच्छा लग रहा है। My life is in the hands
something.